अरे यार इधर कैसा है तू? यार प्यार ही बांटना है यू नो मेरे ख्याल से, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई खास दिन नहीं होना चाहिए प्यार बांटने के लिए, लेकिन हाँ ये खास दिन है जो हमें याद दिलाता है कि प्यार की बेहद जरूरत है आज सभी को। सो आई गेस बोथ ऑफ अस फील गुड जब हम लोग बच्चों के साथ होते हैं तो, एंड यू नो कहीं ना कहीं हमारे अंदर के बच्चे को जिंदा रखने के लिए इनके साथ आके टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। ये हमारे असली ऑडियंस और असली क्रिटिक्स है। अगर कोई चीज़ अच्छी लगी तो मुंह पे अच्छा बोलेंगे, अगर नहीं लगी तो मुंह पे उतना ही गंदा बोलेंगे। तो आई थिंक अगर आपको वाकई में जानना भी है एंड सीखना है तो इससे बढ़िया टीचर्स आपको लाइफ में नहीं मिल सकते जो आपको सिखा दे, जो आपको ये सिखा दे कि इनके मन में कोई खोट नहीं है, कोई बैर नहीं है, इनके मन में सिर्फ प्यार है जो वो बस लोगों को देते रहते हैं, एंड वी जस्ट कम हियर टू कलेक्ट दैट। सो आई गेस आई कंसिडर माई सेल्फ, इनफैक्ट वी कंसिडर आर सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि टाटा हॉस्पिटल मुझे बार बार ये मौका देता रहता है कि जब भी वक्त हो मैं आता हूँ, मैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, थोड़ा रिफ्रेश हो जाता हूँ और फिर अपने काम में लग जाता हूँ। दीप्ति क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा था जिस तरह से यू नो श्रेयस परफॉर्म कर रहे थे यहाँ पे, बच्चों को हंसा रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, ये इनका ये आई गेट गुड दूंगा मतलब ही इज वेरी डाउन टू अर्थ ना, वी हैव सीन हिम एज अ जर्नलिस्ट यू नो, वी हैव सीन हिम इन ही इज सच अ बिग स्टार एंड स्टिल सो डाउन टू अर्थ। ये केस नेचर के बारे में क्या कहना चाहेंगे बीइंग अ वाइफ? रोज मुझे मार मार के मुझे नीचे बैठ। अदिति क्या कहना है? सो डाउन टू अर्थ। ये देखकर तो मैंने शादी की है। आई लव हिम द वे ही एंड लाइक ही सेड कि यहाँ आकर जो रेजिलियंस इन बच्चों में दिखता है वो सीखने वाली बात है। सो वी आर थैंकफुल कि यहाँ पर बुलाया वंस अगेन एंड यू नो वाकई में मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता और इमेजिन करना भी नहीं चाहता यू नो, लेकिन आप जब इनको देखते हो ये जो ट्यूब्स वगैरह लगी है बेचारों के, जो मास्क वगैरह लगे हैं, इतने नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथ हैं उनके, उनमें पता नहीं इतनी सुइयां सारी लगी हुई है, यू फील एक्सट्रीमली बैड यू नो। सो समवेयर व्हेन यू लुक एट देम दे हैव दैट फाइटिंग स्पिरिट कि नहीं नहीं हमें ठीक होना है, डॉक्टर्स के साथ दवाइयां खा के हमें ठीक होना है, एंड दे स्माइलिंग टू ऑल ऑफ दैट, मतलब दे कुडंट इवन गेट अप विद ऑल द पाइप्स एंड ट्यूब्स, एंड जितनी मस्ती कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। तो आई गेस यू नो अगर चार लोगों के चेहरे पे आप स्माइल लाते हो तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। इनका जब भी कुछ ना कुछ इवेंट होता है तो मैं आते रहता हूँ यहाँ पे, एंड ये मेरा सेल्फिश मोटिव है यहाँ पे आना, ये इसलिए नहीं कि उनके लिए, बट मैं समझता हूँ, मैं लास्ट टाइम इनके लिए एक गोलमाल की स्क्रीनिंग अरेंज की थी, कुछ लोग बच गए तो उनके लिए वापस करूँगा, बट आई थिंक बाकी सब जगह तो हम लोग जाते रहते हैं यू नो, अपना अपना टाइम स्पेंड करते रहते हैं, बट ये कुछ मौके ऐसे होते हैं कि जब वक्त मिले और ख़ास करके ऐसा दिन जब आप बस प्यार बांटते हो, तो आई थिंक इससे बढ़िया जगह और कोई नहीं है। श्रेयस के बारे में अगर जानना चाहें, जब ये आपकी लाइफ में आए थे तो कौन सा ऐसा मोमेंट है जो यू नो स्टिल रिमेंबर, यादगार लम्हा? आई वुड से श्रेयस वांटेड टू मीट मी सो ही कॉल्ड मी एंड देन ही फॉरगॉट व्हाट आई लुक लाइक, सो आई डोंट थिंक ये मैं कभी भूल सकती हूँ। एक्चुअली मैं थोड़े चेहरे याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, बट ये बड़ा ही एम्बेरसिंग सा मोमेंट है मेरे लिए कि जब वाकई में मैं जब पहली बार इसे मिला मुझे बहुत पसंद आई और फिर मैंने फ़ोन पे दो तीन दिन बातें हुई और मैंने कहा चलो डेट पे चलते हैं, और एक जगह हमने डिसाइड की दादर में मिलने के लिए, और मैं उस जगह पे 10 मिनट पहले जाके रुका था, उसके बाद में मैं हमेशा लेट गया था, बट जब रुका था तो ये दरवाजे पे जब मैंने इसको देखा तो 2 मिनट के लिए मैं सोचने लगा यही वो है या फिर इसने वेव किया अच्छा हाय हाय, मैंने कहा हाँ यही है यही है। उस वक्त और कोई भी वहाँ पे खड़ी होगी वेव कर देती है। No, next, in fact, I'm flying to Bangalore for another event right now. So, that's the reason I thought ki morning mein aake, in case of time spent karke, fir ab main airport se Bangalore. Okay, Shreyas, what happened in your professional front? I
We'll start shooting for a film in March. I cannot reveal more details about it right now. But abhi mere khayal se 2-4 din mein hum wo announcement ek kar denge. Post that, I'm writing something. So, wo jab main shoot kar raha hun, to simultaneously likhunga. And I will also be producing a Marathi film. I will be acting in another Marathi film this year. And I'll be acting and directing in another Hindi film in this year. So, is saal ke liye mere khayal se ye kafi hai.